नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये देव स्थल है, श्री श्री 108 श्री खाती बाबा मंदिर प्रतापपुरा नगरा झांसी का नज़ारा है। आप जो देख रहे हैं ये कुगा, ये जो एरिया है ये लाल खां के कुगा के नाम से जाना जाता है इस मोहल्ले को। ये आप जो देख रहे हैं कुगा का नज़ारा है, जाल इस पर डला हुआ है लोहे का, हेडपम्प लगा है। ये लाल खां का कुगा है, अगर आपने नहीं देखा हो सुना हो तो नगरे में प्रतापपुरा में लाल खां का कुगा है। ये आप देख सकते हैं बहुत गहरा कुगा है और लोग बाग गंदगी भी डाल देते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन यूज होता है, पानी निस्तार के लिए यूज कर लेते हैं लोग बाग, कपड़े वपड़े धोना है, पी नहीं सकते क्योंकि साफ कुगा साफ नहीं है। अब हम आपको देव स्थल दिखाते हैं, अंदर लेकर चलते हैं। मार्केट संवाद चैनल हर कोने कोने की खबर दिखाएगा और आप तक अपडेट पहुंचाएगा। हमारे जो मार्केट संवाद चैनल को चाहने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो बंगाल से कमेंट भेज रहे थे, खड़गपुर है वहाँ पर रहती हैं पूनम शर्मा जी, उनका कमेंट था तो हमने सोचा कि हम उनके कमेंट को पूरा करते हैं और आपको दिखाते हैं। जो देव स्थल है खाती बाबा का, बहुत प्राचीन पुराना मंदिर है। खाती बाबा ने आज अपने दर पे हमको भी बुला लिया, हम बड़े धन है कि हमें उनके दर्शन मिले। बहुत प्राचीन मंदिर है खाती बाबा का, बहुत पुराना मंदिर है ये, काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं। ये माँ दुर्गे माता विराजमान हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है बब्बा की। ये प्रतापपुरा का खाती बाबा का देव स्थल है और बगल में लाल कुगा, लाल खां के नाम से कुगा है। अब लाल खां क्यों कहा जाता है इस मोहल्ले को हम बताते हैं। ये सुनसान है इलाका, गलियां आप देख रहे होंगे, कोरोना काल में अभी भी दहशत है। ये लाल खां के इसलिए कहा जाता है कि जो पूरी ज़मीन जो खेत था, कोई मोहम्मद थे लाल खां के नाम से, उनकी पूरी ज़मीन थी, इसलिए ये कुगा उनके खेत में था तो लाल खां कहने लगे मोहल्ले को कि लाल खां का कुगा, लाल खां का कुगा, इसलिए इसको लाल खां का कुगा कहते हैं। ये प्रतापपुरा का इलाका है नगरा झांसी का, आप देख सकते हैं ज़्यादा चहल पहल नहीं है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब ये देव स्थल है, कितना पुराना देव स्थल है ये? ये तो काफ़ी वर्षों पुराना है, करीब 100 साल से करीब पुराना देव स्थल है। अच्छा, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे? हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और जो कुगा है लाल खां के नाम से, जो क्यों कहा जाता है? ये लाल खां जी है जो थे, उन्हीं की ये पूरी ज़मीन थी खेती बाड़ी की, तो उन्हीं के फादर के नाम से ये कुगा चला आ रहा है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले हैं मार्केट संवाद को, पूनम शर्मा जी खड़गपुर में रहती हैं बंगाल में, उन्होंने कमेंट भेजा था, शायद उनके परिवार के हैं ये भी, हमारा चैनल देखते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा, छोटा भाई हूँ मैं पूनम शर्मा का। अच्छा, पूनम शर्मा जी के भाई हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये उनका घर है। ये घर है उनका? हम उनको घर भी दिखाते हैं जिससे उनको अपने घर की याद आ जाए देखकर। ये जो हमारे कमेंट भेजा है हमारे चैनल को, उनका पूनम शर्मा का घर है ये, खड़गपुर बंगाल में है। क्या जॉब? वो अपनी ससुराल में रह रही हैं इस समय और हमारे चैनल को बहुत देखती हैं और कमेंट भेज रही थी कि सर जी खाती बाबा देवस्थल दिखाइए प्रतापपुरा का, हम देखते हैं आपको दिखा रहे हैं। ये सामने ऊपर देख रहे होंगे आप, ये पूनम शर्मा जी के बड़े भाई हैं जिन्होंने कमेंट भेजा था। मैं कोशिश करता हूँ अपने सब्सक्राइबर को निराश नहीं करता, हर जगह की अपडेट दिखाता हूँ और सन्नाटे में है, गलियाँ देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं प्रतापपुरा
लाल खां का इलाका है कुगा का। कोरोना काल में अभी भी दहशत में है लोग बाग। मार्केट संवाद चैनल हाथ जोड़कर अपील करता है लोगों से कि बेवजह घर से ना निकलिए, दो गज दूरी का पालन करिए, मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। हम आप जागरूक हो गए, इस वजह से कोरोना केस कम निकल रहे हैं। ऐसे ही हम आप जागरूकता बनाए रखें और मास्क ज़रूर लगाएं। हम आप जागरूक रहेंगे तो तीसरी लहर हो या चौथी लहर हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम आपने अगर लापरवाही दिखाई तो ज़रूर तीसरी दस्तक दे जाएगी। ये प्रतापपुरा का इलाका है, देख सकते हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।